Hey guys, welcome back to my channel. My name is Imani Agrawal and अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके सो गाइज, आई एम प्लानिंग टू डू अ डिफरेंट थिंग दिस टाइम. आई विल बी डूइंग माई मेकअप स्टेप बाय स्टेप. सो आई विल बी रिकॉर्डिंग different clips for every step. For example, in this video I'll be showing you how to prep your skin before makeup. In the next videos I'll be doing eye makeup and that too in a different video, base in a different video. I'm doing this type of concept because it's better to understand for you guys. And har ek cheez agar detail mein hogi aur har ek cheez ka agar ek hi video mein aa jata to कहीं लोगों के लिए वो कंफ्यूजन हो जाता है. तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि मैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाऊं. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. सो या लेट्स बिगिन विद दिस. ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप, प्रेपिंग योर स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्किन केयर में जनरली चार स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट फेस वॉश, दैट इज ऑलरेडी बीन डन. ओके सो द सेकेंड स्टेप इज टोनर. आई एम यूजिंग दिस कामा आयुर्वेदा टोनर, बट यू कैन यूज आइस and aloe vera gel also instead of toner or rose water also. I will let it dry and pat my skin so that it absorbs quickly. Don't forget your neck. जो भी आप face पे apply कर रहे हैं वो neck पे भी लगाना जरूरी है guys. Okay, after toner, I'll be applying moisturizer. That is a procedure CTMP, so I'm following that. Cleansing I have done, toning also done. Now moisturizer, and I'll be using this moisturizer, Ambrosely moisturizer. You can use any of your moisturizers, whichever suits your skin best. This much is enough. ओके सो गाइज, पीपल से दैट मॉइस्चराइजर आपको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर वैसे नहीं लगाना चाहिए, हाथ में रब करके फिर लगाना चाहिए, अपने स्किन पे डॉट करके नहीं लगाना चाहिए. आप मॉइस्चराइजर कैसे भी लगाए वो जाके आपके स्किन पे एब्जॉर्ब होने ही वाला है. तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं. श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स बिफोर प्रेपिंग योर स्किन और बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग ऑन योर स्किन. नेक, एज आई टोल्ड यू. Okay, so the moisturizer is done and now moving on to the sunscreen, that is protection. So I'll be using this sunscreen, Suncoat. You have seen me using this sunscreen many times. This is Suncoat and this is gel based sunscreen. You can use any of the sunscreens or whichever suits your skin or the gel based sunscreens. Like जो आपके फेस को ज्यादा ऑयली ना करे वैसे सनस्क्रीन आपको यूज करने हैं. एंड गाइज, आप लोग को तो पता ही होगा सनस्क्रीन क्या काम करता है एंड क्यों लगाते हैं स्किन पे. ये इसीलिए ताकि सन में से जो हार्मफुल रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं. ओके सो द लास्ट स्टेप टू प्रेप योर स्किन इज द लिप बाम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज काफ़ी लोगों के लिप्स काफ़ी ड्राई होते हैं तो आप मेकअप से पहले लिप बाम लगा लो. तब तक जब तक आप फिर मेकअप करोगे तो आपके लिप्स एकदम सेटल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे. सो मेक श्योर बिफोर मेकअप यू अप्लाई लिप बाम्स. सो आई एम यूजिंग लेनेज लिप बाम हियर. एनी ऑफ द लिप बाम्स यू कैन यूज, वैसलिन ऑल्सो विल डू. ओके सो नाउ द स्किन प्रेप प्रोसीजर इज डन. Prepping your skin is done and now you are ready to apply your makeup. So yeah guys, that's it for this video. Stay tuned for the next video. So yeah, do follow me on Instagram and Snapchat. You will see somewhere here and I will be linking it down in the description box. And yes, do not forget to like, comment, share and subscribe my channel and hit the bell notification for my next update on YouTube. So yeah, bye.